गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम महिला सुपरवाइजर भर्ती का सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि पुराना पेपर है। तो चलिए बताती हूँ किस टाइप से महिला सुपरवाइजर भर्ती का पेपर आएगा। इस तरह पहले पेज पर तो आपको कुछ रूल्स लिखे रहेंगे जो आपको फॉलो करना है, और प्रश्न कैसे आते हैं चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये है हमारा पहला प्रश्न, पहले खंड से। तो जैसे कि इंग्लिश, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में कर सकता है, जिसका हिंदी में वो हिंदी में कर सकता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है। तो इसका आंसर है 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। इस तरह इसमें 200 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन पर एक नंबर है। तो पहला खंड इसमें लिया गया पोषण एवं स्वास्थ्य, तो उस पर से ये प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो, WHO एवं UNICEF द्वारा क्या प्रारंभ किया गया है। तो इसमें क्या प्रारंभ किया, मातृ देखभाल केंद्र। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसमें, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए। तो उसकी आदर्श आयु होनी चाहिए 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है। तो खसरे का संक्रमण किस प्रकार से होता है, नाक, गला एवं श्वसन नली के स्रवण से। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो पर्टूसिस, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है। तो 6 सप्ताह में DPT का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है। ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है, तो ग्लूकोमा बीमारी होती है आपकी आँख से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस बीमारी के लक्षण होते हैं। तो ये होते हैं निमोनिया के रोग के लक्षण, ठीक है। खसरा के फैलने से बचने की अति आवश्यक सावधानी है रोगी को अलग रखना, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलती है। पर्टूटस का अन्य दूसरा नाम किसके लिए है, तो पर्टूटस का अन्य दूसरा नाम काली खांसी के लिए है। विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है, तो आता है ये कैल्शियम में, ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ पर कितने 11 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।